और पाबंदी के बावजूद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। गुजरपुरा, कोट लखपत, कहना, शाहदरा, बादामी बाग, शाहदरा टाउन, हरबंसपुरा और मुगलपुरा में पतंगबाज मुतहरिक हैं। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बिल्कुल, छुट्टी के रोज पतंगबाजी का जो खेल है वो जारी है और पुलिस एक तरफ क्रैकडाउन कर रही है, दूसरी तरफ पतंगबाजों की जो अपनी कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। जिन इलाकों में पतंगबाजी हो रही है इनमें गुजरपुरा, इसके अलावा जानीपुरा, चौक इतवार बाजार, फैक्ट्रीरिया का इलाका है, कोट लखपत है, इसके अलावा शाहदरा, काना, बदामी बाग, रावी रोड, इसके अलावा शाहदरा टाउन और बंसपुरा, गुलबर्ग का इलाका है और उगाला मार्केट में दीगर इलाकों में जो है वो पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। जिस तरह रोज जो है वो दो अफसोसनाक वाक्य पेश आए थे, खूनी रोड पीने से दो जो है वो जख्मी हुए थे। एक मालाटाउन के इलाके में वाकया पेश आया था, एक नशे कलोनी के इलाके में वाकया पेश आया था, जिसके बाद आला अफसरान की तरफ से नोट्स लिया गया था और क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया था। उस क्रैकडाउन के बावजूद जो मनचले हैं, जो पतंगबाज हैं, वो बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पतंगबाज का जो खूनी खेल है वो जारी है। अगर देखा जाए जो मुतलका SHOs हैं वो बड़े डीलर, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पकड़ने की बजाय छोटे छोटे पतंगबाजों को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से जो पतंगबाजी का जो खूनी खेल है वो नहीं रुक रहा। खासतौर पर जैसे ही ईद की आ रही है। जी ठीक है, मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया।